पवित्र वैवाहिक जीवन एक ईश्वरीय बुलाहट है। प्यारे दोस्तों, पवित्र वैवाहिक जीवन एक ईश्वरीय बुलाहट है, क्योंकि सृष्टि के शुरुआत में ईश्वर ने मनुष्यों को नर और नारी के रूप में सृष्टि की और ईश्वर उनसे यह चाहा कि वे पवित्र वैवाहिक सूत्र में बंध जाएं। और यह ईश्वरीय बुलाहट जो है, वैवाहिक जीवन है, वह ईश्वर के विशेष मकसद को पूरा करने के लिए है। और वह यह उद्देश्य या वैवाहिक मकसद यह है, पहला है कि दंपतियों का एक दूसरे का साथ निभाना। वे वैवाहिक जीवन में बंद करके वे यही कामना करते हैं कि वे सुख और दुख में एक दूसरे की वे साथ निभाएंगे। इसलिए वे वैवाहिक सूत्र में बंधते समय एक दूसरे से यही करार करते हैं कि मैं आपका दुख और सुख में साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगे। और दूसरा जो वैवाहिक उद्देश्य है वह यह है कि संतान की प्राप्ति। इस दूसरे उद्देश्य के माध्यम से पति और पत्नी ईश्वर की जो सृष्टि कार्य है उसमें वे सहभागी बन जाते हैं। और तीसरा है संतान उत्पत्ति के पश्चात उन संतानों को उचित रूप से शिक्षा प्रदान करना, कैथलिक संस्कारों के अनुरूप। इस प्रकार यह जो तीन उद्देश्य है उसको ईश्वरीय उद्देश्य या तो वैवाहिक जीवन का उद्देश्य हम कहते हैं। यदि पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इनमें से किसी एक उद्देश्य को पूरा ना करते हुए, तो ईश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध जाते हैं या वैवाहिक उद्देश्य के विरुद्ध जाते हैं। इसलिए ख्रिस्त में, प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में प्रभु येसु फरीसियों का जो सवाल है उसका जवाब देते हुए यह स्पष्ट कर देते हैं कि यदि शादी के बंधन में बंधे हुए पति और पत्नी इन तीनों उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं और वे तलाक लेकर के वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वे ईश्वर की दृष्टि में, एक दूसरे की दृष्टि में वे व्यभिचार करते हैं। ख्रिस्त में, प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार से प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जो वैवाहिक जीवन की बुलाहट में सहभागी हुए हैं, ईश्वर की बुलाहट को स्वीकारे हैं, वे उन्हें जो ईश्वरीय बुलाहट के जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है। इसलिए ख्रिस्त में, प्यारे दोस्तों, जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो विशेष रूप से आइए हम सभी भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो इस पवित्र बुलाहट को स्वीकारते हुए वे अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे ईश्वर की कृपा से जो ईश्वरीय उद्देश्य है उसके वे अच्छी तरह से पूरा कर सकें। आमीन।